लूटने की घटनाएं बढ़ती जा रही है, जिसके चलते पुलिस के आला अधिकारियों ने सदस्य थाना प्रभारियों को वाहन चोरी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। इसी के चलते इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने कार्यवाही करते हुए वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। इंदौर पुलिस को वाहन चोरों के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। इंदौर की आजाद नगर पुलिस ने 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 12 वाहन बरामद किए गए हैं। पुलिस लगातार वाहन चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए प्रत्येक चौराहे पर सघन चेकिंग अभियान चला रहा है। इसी के चलते पुलिस ने शुभम उर्फ सागर को गिरफ्तार किया है। जब शुभम से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपने 2 अन्य साथी मोनू कुशवाहा और रोशन कौशल को गिरफ्तार करवाया है। इन आरोपी के पास 12 मोटरसाइकिल जो कि शहर के विभिन्न थाना क्षेत्र से चुराई गई हैं, बरामद की गई हैं। वहीं ये सभी आरोपी अपना शौक पूरा करने के लिए वाहन चोरी को अंजाम देते थे। पुलिस ने आरोपी शुभम के पास से देसी पिस्टल व 2 कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 12 वाहन जिनकी कीमत 8.5 लाख रुपए है, वाहन जब्त किए हैं। आरोपी शुभम आबकारी विभाग में ड्राइवर का काम करता है। आरोपी का पूर्व भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। फिलहाल इनसे और भी वाहन बरामद होने की संभावनाएं हैं। सर, वाहन चोर गिरफ्तार कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला, कितने वाहन इनके पास से बरामद हुए? कल दिनांक 4/1/21 को थाना आजाद नगर ने वाहन चोरों को दस्तयाब करने में एक महत्वपूर्ण सफलता पाई है। हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण आईजी श्री योगेश देशमुख महोदय, एडीजी श्री योगेश देशमुख महोदय और आईजी श्री मिश्रा जी दोनों द्वारा इस संबंध में एसपी महोदय को वाहन चोरों की पतासाजी और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने हेतु निर्देश दिए गए थे, जिसके तारतम्य में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इस संबंध में मुझ नगर पुलिस अधीक्षक को संबंध में निर्देश दिए गए, और जिसके पालन में हम लोगों की टीम द्वारा लगातार जो भी सक्रिय वाहन चोर हैं इनसे लगातार पूछताछ, लगातार इनके संबंध में लगातार मुखबिरी, सतत मुखबिरी है वो शुरू कराई गई, जिसका परिणाम ये रहा कि कल हमने एक गिरोह पकड़ा है जिसमें 2 आरोपी शुभम और मोनू हैं और तीसरा एक बालअपचारी है। ये तीनों आरोपी सुनो जो ढंग से जो सुनसान इलाके हैं जहाँ पर सामान्यतः सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे रहते, ऐसे स्थान पर ये लोग रैकी करके और टारगेट करते थे इस तरह के वाहनों को। इनसे कुल 12 वाहन अभी तक बरामद हो चुके हैं और एक आरोपी शुभम से ये जो पिस्टल है देसी ये भी बरामद हुई है, जिसमें 2 राउंड भी हैं, तो ये भी एक बरामद हुए हैं। इसके अलावा ये जो तीनों आरोपी हैं इनके बैकग्राउंड के बारे में भी देखा गया तो ये लोग 9वीं 10वीं सामान्य तक पढ़े हुए हैं, और उसके अलावा ये लोग जो भी अपने फिजूल खर्ची और अय्याशी कई शौक़ को पूरा करने के लिए इस तरह का काम ये लोग मिल के करते थे। इनके संबंध में जो वाहन जब्त हुए हैं उनके संबंध में थाना भंवरकुआ और आसपास के थाने जो हैं पलासिया, भंवरकुआ और भी जो थाने हैं, हाँ, गांधीनगर, इनसे भी हम तारतम्य कर रहे हैं, और इसके संबंध में जो भी चोरी जिन वाहनों की जिस थाना क्षेत्र से चोरी हुई है उस संबंध में भी सारे आंकड़े एकत्रित कर रहे हैं। संभावना ये है कि भविष्य में और संख्या बढ़ेगी और हम लोग इनका पुलिस रिमांड भी लेंगे। पुलिस रिमांड लेने के बाद भी इनसे और अधिक घटनाओं के संबंध में पूछताछ की जाएगी। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसके अलावा भी हमें और वाहनों में को प्राप्त करने में सफलता मिले। इसमें जो एक आरोपी है वो इसमें आरोपी शुभम और सागर है, ये आबकारी विभाग में ड्राइवरी का काम करता है, और इसके संबंध में भी हम लोग जानकारी ले रहे हैं। आबकारी विभाग से भी इसके संबंध में पूरा और जानकारी लेंगे किस तरीके से ये विभाग में आया और क्या इसके एंटीसीडेंट्स हैं, और इनसे विस्तृत पूछताछ की जाएगी, इनका पुलिस रिमांड भी लिया जाएगा, और हमें संभावना है कि अन्य और भी अच्छा हमें इसमें कुछ डेवलप हो सकता है और भी हम वाहन पकड़ रहे हैं। ये लगभग 12 वाहन हैं, लगभग मेरे ख्याल में 5.5 लाख के आसपास इनकी कीमत, 8.5 लाख के आसपास इनकी कीमत है। सर, क्या वजह और क्या कुछ बैकग्राउंड को बताया, तो मोटी वजह कोई गर्लफ्रेंड को घुमाने पर? पूछताछ में बताया वो ये है कि जो फिजूल खर्ची और अय्याशी का शौक है और शराबखोरी का इनका शौक है, उसको पूरा करने के लिए ये लोग इस तरह का काम करते थे। चूँकि इनका बैकग्राउंड भी इस तरह का और ये बड़े मतलब एक कोई जोमेटो बॉय है और
कोई ड्राइवरी का काम करता है, तो इनकी ज़रूरतें, इनकी तनख्वाह जो इनको होती थी उससे पूरा होना संभव नहीं था, तो इस तरह से ये लोग अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए इस तरह का घटनाएं भी करते हैं। सर, पिस्टल के बारे में कोई जानकारी थी? पिस्टल क्यों लेकर घूम रहे थे? क्या किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने वाले नहीं? विशेष तौर पर पिस्टल ये लोग अपनी सुरक्षा के लिए, कि अगर कभी इन केस वाहन चोरी में अगर कोई मतलब कोई भी चीज़ अगर इनका आउट होता है, लीक होता है, तो ये दहशत फैला के भाग सकें, इस चीज़ के लिए ये लोग पिस्टल का यूज़ करते थे। तो विशेष तौर पर ये कहाँ से पिस्टल लाए, कुछ बताया सर?